कुछ नहीं आता। हाँ यही नहीं, ये जो गीता का अर्थ है ना अभी का श्लोक, भाई मन से समझता है मैं करता हूँ तो उसके हाथ में नहीं है करना, लेकिन ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है। आपे आप माना ऑटोमेटिकली पान का पानी तो सब थे, ये सृष्टि पान का पानी पैदा की है। एक ओम बहुश्याम, एक ही परमात्मा है, उसने बोला मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ऑटोमेटिकली हो गया। आपे आप माना आपे ही हो गया, कुछ हुआ नहीं लेकिन आपे ही हो गया। करण करावन आपे आप, आपे आप माना ऑटोमेटिकली इंद्रियों से और मन से, ये सर इंद्रियों से सब कर्म ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन मन से बोलता है मैं करता हूँ। मन से के हाथ में कुछ नहीं है करना या न करना, मन से ईगो करता है मैं करता हूँ, लेकिन होता आपे ही है। जैसे तुम जब वेट कराने जाता है तो पैसा डालता है तो ऑटोमेटिकली वो टिकली निकल आती है, ऐसी तरह से तुम जो कर्म करता है उसी का ऑटोमेटिकली उसी का रिएक्शन होता है, कर्मों का रिएक्शन होता है। एक है जो अहंकार से करता है और एक है जो निरंकारी है, वो बोलता है ऑटोमेटिकली होता है इंद्रियों से मन से लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ये ज्ञानी का लक्षण है। और अज्ञानी बोलता है मैं करता हूँ, गुण गुण में वर्त रहा है, त्रिगुणीमयी माया है, ये सब कार्य उसी से हो रहा है। तुम्हारे में सत्व गुण रजो गुण तमो गुण है, जब सत्व गुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है, जब रजो गुण और तमो गुण बढ़ता है तो वो कर्म होता है। ऐसी तरह से त्रिगुणीमयी माया में सब वश हो गए है, इसलिए माया के वश हो के कर्म करता है वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी माया को वश करके और ऑटोमेटिकली वो समझता है कि कर्म हो रहा है, मैंने नहीं किया, ज्ञानी की क्रिया है और तुम कर्म समझते हैं। जैसे तुम्हारे से कई क्रियाएं होती है सारे दिन में तो तुमको याद नहीं है, तो ज्ञानी का कर्म भी क्रिया ही है और तुम समझते इसने ऐसा किया। ज्ञानी में भी तुमको कर्म देखने में आएगा लेकिन ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है, कर्म का कर्ता ज्ञानी नहीं है क्योंकि वो आत्मा में है और समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है, ये इंद्रियों से मन से ये सब कार्य हो रहा है लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूं। तुमने जो कुछ किया है वो तुमको याद है, चाहे पाप किया है चाहे पुण्य भी किया है, अगर पुण्य परमात्मा कराता है तो तुमको याद क्यों है? तुमको याद नहीं है कि मैंने पुण्य किया? कल दो पैसा रास्ते में फकीर को दिया तुमको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? कौन है तुम्हारे में जिसको पुण्य याद नहीं है? जो भगवान तुम्हारे से पुण्य करवाता है तो भगवान को याद होना चाहिए, तुमको याद क्यों है? तुम किसको पुराना खाली कपड़ा दियो आज, तुम हमारे कोई कोई साड़ी दियो आज प्रेजेंट, मैं इधर साड़ी पहन के कल बैठूंगा तुम जरूर देखेगा कि ये मेरी साड़ी दी हुई है। कौन है तुम्हारे में इशराफ ऐसा जिसको भूल जाएगा? ये बोले भगवान ने साड़ी दिया है, भगवान ने ये दिया है, हम नहीं दिए, देता है भगवान, देता है पाप हम करता है पुण्य भगवान करता है, नहीं पाप नहीं पुण्य, भगवान को पाप पुण्य का पता भी नहीं है, तुमको स्वतंत्र छोड़ा है, मन से स्वतंत्र है, पाप करे चाहे पुण्य करे लेकिन उसके फल में तुम परतंत्र है, जो फल मिलता है प्रकृति से उसी को तुमको भोगना पड़ेगा। तो जो अहंकारी जीव है जो बोलता है कि मैं करता हूँ उसको फल भी भोगना पड़ता है, और ज्ञानी समझता ही नहीं है कि मैं करता हूँ इसके लिए भोगता भी नहीं है। ज्ञानी से कोई कर्म नहीं होता है क्योंकि इच्छा और अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है कि ये कर्म होवे या नहीं होवे या कौन सा फल मेरे को मिलना चाहिए, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, दूसरा मेरे को थैंक्स बोले वो भी इच्छा नहीं है। इसके लिए ज्ञानी का कोई कर्म खाते में नहीं आता है, चाहे 24 घंटा तुम उसको देखेगा तो वो कर्म करता है, कार्य होता है उसी से, क्रिया होती है लेकिन तुम समझता है ये कर्म करता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर की स्थिति बोलता है कि गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, ज्ञानी समझता है कि मैं नहीं करता हूं और तुम समझता है मैं करता हूं, जो भी तुम करेगा तुमको याद आएगा क्योंकि तुम जीव भाव में है, तुम बोलता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मेरी तो आत्मा भाई पक्की नहीं है, मैं तो अभी शरीर हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो बंदा गंदा हूं, तो बंदा गंदा जो है त्रिगुणी माया के वश है, उसी से कभी सत्वगुणी कर्म होएगा अच्छा भी होएगा, कभी गड़बड़ होएगा कभी बुरा होएगा अज्ञानी से, लेकिन ज्ञानी सत्व रजो तमो से ऊपर है, ज्ञानी से सत्कर्म भी नहीं होएगा, बदकर्म भी नहीं होएगा, गड़बड़ कर्म भी नहीं होएगा, वो तो कर्मातीत है, वो तो कर्म कर्म करत हुए ने कर्मी, उसी से कर्म ऐसा होता है जैसे हुआ ही नहीं। जैसे रात को नींद में तुम बच्चे को दूध पिलाओ, सुबह को उठ के वो बोलेगा मैंने नहीं पिया, याद भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी झूठ में बोलेगा
यहाँ हाँ मेरे को तो याद है, अंदर याद है, बाहर से मैं बोलता हूँ याद नहीं है, ऐसी भी नहीं बात है। सचमुच ज्ञानी के अंदर से ही असल पक्का है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारी उम्र में मैंने एक भी कर्म नहीं किया है। ज्ञानी को तुम जाके याद कराओ, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वो बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये कैसे बोलता है कि मैंने किया? कोई बोलता है तुमने ज्ञान दिया, ज्ञानी बोलता है तुम अज्ञानी था क्या जो मैंने ज्ञान दिया? तुम तो पहले से ही आत्मा, पहले से ही भगवान है, भगवान को मैं ज्ञान दे सकता हूँ? ज्ञान कोई देने की वस्तु है? सूरज को एक माई ने बोला तुमने रोशनी दिया, तुमने हमारा अंधेरा मिटाया, तुमने हमारा कपड़ा सुखाया, ये जो है वो मलिनता ये जो दूर किया, मट्टी दूर किया, ऐसा किया सुखाया। सूरज ने बोला अंधेरा क्या होता है? माई दर तो आओ, अंधेरा होता क्या है जो मैंने अंधेरा गंवाया तुम्हारा? अंधेरा मेरे को दिखाओ तो सही, सूरज में अंधेरा होता है? सूरज ने कभी देखा है कि अंधेरा क्या होता है? सूरज अंधेरा मिटाता है? अंधेरा उसने देखा ही नहीं है तो मिटाना कैसे है? सूरज माना ही रोशनी, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान माना ही रोशनी, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, उसने कभी अज्ञान देखा ही नहीं है तो अज्ञान क्या होता है? तुमको अज्ञानी करके नहीं देखा है। दादाजी से एक दिन आदमी ने आके पूछा, दादा तुम मेरे को जरूर अज्ञानी समझता होगा तभी तो ज्ञान देता है। बोला नहीं, मैं ज्ञान देता कहा हूं? नहीं तुम अज्ञानी है, नहीं मैं ज्ञानी हूं, नहीं ज्ञान है। त्रिपुटी में रह के त्रिपुटी से न्यारा रहता है ज्ञानी, नहीं मैं देने वाला हूं, नहीं तुम लेने वाला है, नहीं ज्ञान है। मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा ही है। खाली तुम्हारे से भूल हो गई है, तुम अपने को जानता नहीं है, बस सो गया है, सपने में बड़बड़ाता है, सपने में दुखी सुखी होता है। तो गुरु का काम है खाली कान से पकड़ के तुमको उठाना, बस तुम उठा तो तुम पहले से ही राजा है। राजा सपने में रंग हो गया, बहुत रोने पीटने लगा, चिल्लाने लगा, फकीर हो गया राजा, तो किसी ने आके उसको खाली जगाया, उठा तो आप ही समझा मैं तो राजा हूं, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, खाली उठा, खाली जागा, आप ही समझता है मैं राजा हूं। ऐसी तरह से गुरु खाली कान पकड़ के तुमको उठाता है, जगाता है कि तू आत्मा है, तुम फिर सो जाता है, फिर सो जाता है, फिर उनका काम है जगाना। बस एक बार तुम जग गया तो तुम आप ही अपने को समझेगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं जन्मा ही नहीं हूं, मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं मरूंगा ही नहीं, मैंने कोई कर्म नहीं किया, नहीं मैं भोगता हूं। लेकिन जब तक तुम्हारे में जीव भाव है कि मैं शरीर हूं, तब तक सब कर्म तुम्हारे से लागू है, चाहे सत्य कर्म चाहे बद्ध कर्म, चाहे कितना भी बोलो तो सत्य कर्म भगवान कराता है, तो भगवान जाके भोगे ना उसका स्वर्ग, स्वर्ग तो तुमको मिलेगा, जन्म मरण में तो तुम आएगा, देवताओं के लोक में जाएगा, इंद्र का सुख तो तुमको मिलेगा, भगवान को नहीं मिलेगा। भगवान अगर तुम्हारे से कराता है तो भगवान जाए ना स्वर्ग और नरक में, तुमको क्यों स्वर्ग में भेजता है? सत्कर्म तुम्हारे से करा के और जन्म मरण के चक्कर में तुमको लाता है और देवताओं के राज्य में तुमको भेजता है, ये तुम करता है अपनी इच्छा से, या भगवान तुम्हारे से करवाता है? किसी से भी भगवान नहीं करवाता है, जो प्रकृति के वश में है वो प्रकृति अनुसार करता है, जैसा जैसा जिसका संस्कार है वो ईगो से करता है, पिछले जन्म का कर्म उसी से संस्कार बना, उसी संस्कार से तुम पैदा हुआ, उसी जीव जीव प्रेम में तुम आया है, तो उसी प्रकृति के अनुसार तुमको कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे तुम हट करो को मैं नहीं करूंगा तो भी तुम्हारे से हो जाएगा, पराधीन होके भी तुम करेगा, चाहे तुम बोलेगा मैं नहीं करूंगा, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, है तुम मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, तुम बोल रहे आज से ना मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं काम नहीं करूंगा, आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, तुम्हारे से हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संस्कार प्रारब्ध और तुम्हारा ये जो स्वभाव है वो तुम्हारे से अवश्य कर्म कराएगा। लेकिन ज्ञानी अपने स्वभाव को वश में करता है, इधर तुम पुरुषार्थ करके अपने मलिन स्वभाव को, कैसा भी बुरा संस्कार हो तुम्हारा, तो भी ज्ञान से, गुरु के संग से, सत्संग से, तुम्हारा जो है पुरुषार्थ करने से तुम्हारा स्वभाव बदली हो सकता है, तुम्हारी प्रारब्ध चेंज हो सकती है। कल की प्रारब्ध ऐसे है जैसा बच्चा, आज का पुरुषार्थ ऐसे है जैसे जवान, जैसे जवान उसी बच्चे को अच्छी तरह से जीत लेता है, ऐसी तरह से तुम पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को जीत सकता है, अपने स्वभाव को जीत सकता है। स्वभाव को भाव से ज्ञानी वश करता है, इसके लिए अज्ञानी अपने स्वभाव में चलता है और ज्ञानी अपने स्वभाव में, इसमें हट क्या करेगा? तुम्हारा हट कुछ नहीं करेगा। तो भगवान कुछ भी सत्य और बद्ध नहीं कराता है, सत्य और बद्ध तुम करता है, सत्योगुणी आदमी सत्य करता है सत्कर्म, रजोगुणी आदमी और तमोगुणी आदमी बद्ध कर्म करता है, इच्छा और अहंकार से करता है।
ब्रह्मा से चीटी तक सब में इच्छा और अहंकार है, उसका कार्य इच्छा और अहंकार से होता है। दुर्गुणी मई माया के वश में आके ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रय गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई। ये ग्रंथ साहब की है बात। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रय गुण रोगी, तीन गुण का रोग उसको भी है, क्योंकि बोलता है मैंने ब्रह्मा को आके अहंकार लगा कि मैंने सृष्टि पैदा किया है, विष्णु को अहंकार मैंने ये पालन किया है, शिव को भी अहंकार है मैंने नाश किया है। इसके लिए ब्रह्मा से चीटी तक सब लोग आने जाने में है। ब्रह्मा का भी 100 साल जब चौकड़ी युग पूरा होएगा तो वो भी चला जाएगा, लेकिन ब्रह्म नाश नहीं होता। इसलिए तुम